मित्रों, आपने अष्टावक्र का नाम अवश्य सुना होगा। महाभारत की यह कथा अद्भुत, पूर्णतः प्रामाणिक एवं संक्षिप्त है। प्रारंभ से अंत तक अवश्य सुने। महाभारत की अद्भुत कथाएं धारावाहिक 5, कथा 12, अद्भुत शास्त्रार्थ, बंदी के समक्ष, बालक अष्टावक्र। प्राचीन काल में उद्दालक नामक मुनि का कहोड नामक एक प्रिय शिष्य था। उसने मुनि की बड़ी सेवा की तो प्रसन्न होकर मुनि ने उसे समस्त वेदों का अध्ययन शीघ्रता में करवाकर अपनी पुत्री सुजाता के साथ उसका विवाह भी करवा दिया। समय के साथ सुजाता को गर्भ ठहरा। कहोड ने भी अपना आश्रम बनाया और अपने शिष्यों को वेदाध्ययन करवाने लगा। एक दिन जब कहोड वेद पाठ कर रहा था, तब गर्भस्थ शिशु ने कहा, पिताजी, आप दिन भर वेद पाठ तो करते रहते हैं, किंतु वह ठीक ठीक नहीं होता है। शिष्यों के मध्य इस प्रकार का आक्षेप सुनकर कहोड क्रोधित हो गया। उसने अपने पुत्र को शाप देते हुए कहा, तू पेट में ही ऐसी टेढ़ी टेढ़ी बातें करता है, जा तू 8 स्थान से टेढ़ा उत्पन्न होगा। कहोड धनहीन था। एक दिन सुजाता ने अपने पति से कहा, हमें जीवन यापन हेतु धन की आवश्यकता होगी, आप इसकी कुछ व्यवस्था करें। कहोड ने कहा, ठीक है प्रिय। और वह तत्कालीन राजा जनक के पास सहायता हेतु गया। राजा के दरबार में बंदी वाद में बड़ा कुशल था। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे, आपको आवश्यक धन भी देंगे, किंतु इस हेतु आपको मुझसे शास्त्रार्थ करना होगा। कहोड के लिए यही सुअवसर था, अन्यथा अन्य कार्यों में समय लगता। उसने कहा, यदि राजा की यही शर्त है तो मैं तैयार हूँ। तब बंदी ने सचेत करते हुए कहा, किंतु स्मरण रहे कि यदि आप मुझसे शास्त्रार्थ में पराजित हो गए तो आपको हम सभी के समक्ष जल समाधि लेनी होगी। कहोड तैयार हो गया, किंतु बंदी ने वाद में उसे पराजित कर दिया। तब शर्त के अनुसार उसे जल समाधि लेनी पड़ी। यह बात पता चलने पर उद्दालक ने सुजाता से कहा, बेटी, होनी को कोई नहीं टाल सकता, इसे ईश्वर की इच्छा समझो। हाँ, यह बात अपने पुत्र को मत बताना, वह इसे सहन न कर पाएगा। सुजाता ने अपना दुर्भाग्य स्वीकार कर लिया। उसका पुत्र अपने पिता के शाप के कारण 8 अंगों से टेढ़ा उत्पन्न हुआ, अतः उसका नाम अष्टावक्र पड़ा। उद्दालक के आश्रम में ही वह पलने और बढ़ने लगा। वह उद्दालक को ही अपना पिता और अपने मामा श्वेत केतु को अपना भाई मानता था। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन उद्दालक की गोद में बैठा था। उसी समय श्वेत केतु आकर बोला, तुम गोद से उतरो, मुझे बैठना है। किंतु अष्टावक्र नहीं उतरा। दोनों में विवाद हुआ तो श्वेत केतु ने इस प्रकार कहा, तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते, क्योंकि यह तुम्हारे पिता की गोद नहीं है। यह सुनकर अष्टावक्र को बड़ा आघात पहुंचा। उसने अपनी माता से पूछा, मेरे पिता कहाँ गए हैं, तुम मुझे बताओ। सुजाता ने उसे नाना प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु वह न माना। विवश होकर उसने शास्त्रार्थ एवं पानी में डूबने वाली सारी बातें बता दी। अष्टावक्र को यह सुनकर बड़ा संताप हुआ और उसने निश्चय किया कि वह बंदी को सबक सिखाएगा। उसने श्वेत केतु के साथ योजना बनाई और राजा जनक के यज्ञ में चला गया। वहां पहुंचने पर यज्ञशाला के बाहर ही द्वारपाल ने कहा, आप दोनों अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, मात्र वृद्धों एवं विद्वानों को ही वहां जाने की आज्ञा है, बालकों का जाना वर्जित है। अष्टावक्र बोला, आयु से कोई बड़ा नहीं होता, वेदों का वक्ता ही बड़ा होता है। तुम जाकर राजा से कहो कि मैं बंदी से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। राजा को संदेश मिला तो उन्हें बड़ी जिज्ञासा हुई कि यह बालक कौन है, अतः उन्होंने उसे बुलवा भेजा। अष्टावक्र ने राजा से कहा, राजन, मैंने सुना है कि आपके यहाँ बंदी नामक कोई विद्वान है, वह ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में परास्त कर उन्हें जल में डुबो देता है,
मैं उससे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, आप उसे बुलाइए। राजा को अष्टावक्र का साहस देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु वे नहीं चाहते थे कि कोई छोटा सा बालक बंदी जैसे विद्वान से हारे। अतः उन्होंने समझाने का प्रयास करते हुए कहा, देखो बालक, तुम अभी छोटे हो, बंदी के समक्ष अनेक विद्वान आए किंतु टिक न पाए, अतः अपना हठ छोड़ दो और अपने घर वापस चले जाओ। अष्टावक्र ने कहा, राजन, मैं वापस लौटने के लिए यहाँ नहीं आया, आप उसे बुलाइए, वह अभिमानी मेरे सामने टिक न पाएगा। अब राजा सोचने पर विवश हो गए। फिर कुछ विचार कर उन्होंने पहले अष्टावक्र की परीक्षा लेनी चाही और पूछा, बालक, तुम वीर हो, इसमें संदेह नहीं, तुम्हें पता है कि जो पुरुष 30 अवयव 12 अंश 24 वर्ष और 360 अरों वाले पदार्थ को जानता है वही बड़ा विद्वान है। अष्टावक्र ने कहा, राजन, जिसमें पक्ष रूप 24 पर्व, ऋतु रूप 6 नाभि, मास रूप 12 अंश और दिन रूप 360 अरे हैं, वह निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप काल चक्र आपकी रक्षा करे। ऐसा यथार्थ उत्तर सुनकर राजा चकित रह गए, उनकी उत्सुकता और बढ़ गई, वे कुछ और प्रश्न पूछने को तैयार हो गए और बोले, सोने के समय कौन नेत्र नहीं मूंदता है, जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती, किसमें हृदय नहीं है और वेग से कौन बढ़ता है। अष्टावक्र ने कहा, सोने के समय मछली नेत्र नहीं मूंदती है, अंडा उत्पन्न होने के बाद चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं होता और नदी वेग से बढ़ती है। अष्टावक्र के उत्तर सुनकर राजा विस्मित रह गए और बोले, आप बालक नहीं हैं, आप जैसे विद्वान का हार्दिक स्वागत है, आप बंदी से शास्त्रार्थ कर सकते हैं। अष्टावक्र ने कहा, सादर आभार राजन, मैं कृतार्थ हुआ। राजा ने बंदी को बुला भेजा। अष्टावक्र ने बंदी से कहा, तुमने पराजित होने वालों को जल में डुबोने का नियम बना रखा है, वही नियम तुम पर भी लागू होगा। बंदी ने कहा, उचित है, यह बताओ कि एक अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशवान है, एक ही सूर्य सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है, सभी शत्रुओं को परास्त करने वाले एक ही वीर इंद्र हैं, पितरों के ईश्वर एक ही धर्मराज हैं। अष्टावक्र ने कहा, इंद्र एवं अग्नि दो देवता हैं, नारद और पर्वत दो देवर्षि हैं, दो ही अश्विनी कुमार हैं, रथ के दो ही पहिए होते हैं और विधाता ने पति एवं पत्नी को ही सहचर बनाए हैं। बंदी ने कहा, प्रजा कर्मवश 3 प्रकार से जन्म धारण करती है, कर्मों के प्रतिपादन 3 वेद करते हैं, अध्वर्यु जन भी प्रातः मध्यान्ह तथा सायं इन 3 समय यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, कर्मानुसार प्राप्त होने वाले भोगों के लिए स्वर्ग मृत्यु एवं नरक भी 3 हैं। वेद में कर्मजन्य ज्योतियां भी 3 प्रकार की हैं। अष्टावक्र ने कहा, 4 आश्रम कहे गए हैं, वर्ण भी 4 ही यज्ञों द्वारा अपना अपना निर्वाह करते हैं, मुख्य दिशाएं 4 ही हैं, ओंकार के 4 वर्ण हैं, अकार उकार मकार और अर्थमात्रा, साथ ही परा पश्यंती मध्यमा तथा वैखरी भेद से वाणी भी 4 प्रकार की कही गई है। सभी चकित होकर सुन रहे थे। इस मध्य बंदी ने फिर से कहा, यज्ञ की अग्नियां 5 हैं, अर्थात गार्हपत्य दक्षिणाग्नि आहवनीय सभ्य एवं आवसत्य। पंक्ति छंद भी 5 अक्षरों वाला है, यज्ञ भी 5 हैं, अर्थात अग्निहोत्र दर्श पौर्णमास चातुर्मास्य तथा सोम। इंद्रियां 5 हैं, वेद में पश्य शिखा वाली अप्सराएं भी 5 हैं तथा संसार में 5 ही पवित्र नद प्रसिद्ध हैं। इस पर अष्टावक्र ने कहा, कहा गया है कि अग्नि का आधान करते समय दक्षिणा में गायें 6 ही देनी चाहिए। समय के साथ 6 ऋतुएं आती जाती रहती हैं। मन के साथ ज्ञानेंद्रियों की संख्या 6 बताई गई है।
कृत्तिकाएं छह होती हैं एवं समस्त वेदों में साधस्क यज्ञ भी छह बताए गए हैं। बंदी ने पुनः कहा, सात की संख्या पवित्र मानी गई है, अतः ग्राम्य पशु सात कहे गए हैं, वन्य पशु भी सात हैं, यज्ञ को पूर्ण करने वाले छंद भी सात कहे गए हैं, साथ ही ऋषि भी हैं, मान सम्मान देने के सात प्रकार कहे गए हैं, एवं वीणा के तार भी सात ही प्रसिद्ध हैं। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, सभी सुने कि सैकड़ों वस्तुओं को तौल करने वाले शाण के गुण आठ होते हैं, सिंह का नाश करने वाले शरभ के चरण भी आठ होते हैं, वसुओं की संख्या भी आठ बताई गई है, साथ ही सभी यज्ञों में यज्ञ स्तंभ के कोण भी आठ ही कहे गए हैं। समस्त राज दरबार चकित था, यह शास्त्रार्थ अद्भुत हो रहा था। बंदी ने कहा, पितृ यज्ञ में समिधा छोड़ने के मंत्र नौ कहे गए हैं, सृष्टि में प्रकृति के विभाग भी नौ ही कहे गए हैं, बृहती छंद के अक्षर भी नौ कहे गए हैं, एवं जिनसे अनेक प्रकार की संख्याएं उत्पन्न होती हैं, ऐसे एक से लेकर अंक भी नौ ही कहे गए हैं। अष्टावक्र ने कहा, इस संसार में दिशाएं दस होती हैं, सहस्र की संख्या भी सौ को दस बार गिनने से ही होती है, तत्व का उपदेश करने वाले दस हैं, तथा पूजने योग्य भी दस ही हैं। बंदी ने पुनः कहा, पशुओं के शरीरों में ग्यारह विकारों को उत्पन्न करने वाली इंद्रियां ग्यारह होती हैं, यज्ञ के स्तंभ भी ग्यारह ही कहे गए हैं, प्राणियों के विकार भी ग्यारह कहे गए हैं, एवं देवताओं में रुद्र भी ग्यारह ही कहे गए हैं। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, यह सत्य है कि वर्ष में बारह महीने होते हैं, जगती छंद के अक्षर भी बारह होते हैं, प्राकृत यज्ञ भी बारह दिनों का कहा गया है, एवं धीर पुरुषों ने आदित्य भी बारह ही कहे हैं। बंदी ने एक अंतिम बार प्रयास करते हुए कहा, त्रयोदशी तिथिरुक्ता प्रशस्ता त्रयोदश द्वीपवती महीच, अर्थात तिथियों में त्रयोदशी को उत्तम कहा गया है, तथा पृथ्वी भी तेरह द्वीपों वाली बतलाई गई है। बंदी ने आधा श्लोक कहा और चुप हो गया। तब अष्टावक्र ने उसे पूरा करते हुए कहा, त्रयोदशा हानि ससार केशी त्रयोदशा दीन्यति छंदांसि चाह, अर्थात अग्नि वायु एवं सूर्य ये तीनों देवता तेरह दिनों के यज्ञों में व्यापक हैं, तथा वेदों में भी तेरह आदि अक्षर वाले अति छंद कहे गए हैं। अब बंदी निरुत्तर था, उसका सिर नीचा हो गया, किंतु अष्टावक्र बोलते ही रहा और समस्त राजसभा आश्चर्यचकित होकर उसकी वाणी को सुन रही थी। तब राजा जनक ने कहा, हे देव, मैं आपको सुन रहा था, आपने बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित किया, बताएं अब उसके साथ क्या किया जाए। अष्टावक्र ने कहा, राजन, इसकी भी वही गति होनी चाहिए। यह सुनकर बंदी ने तत्काल कहा, महाराज ऐसा न करें, मैं जलाधीश वरुण का पुत्र हूँ, मेरे पिता के यहाँ भी आपकी ही भांति बारह वर्षों का यज्ञ हो रहा है, इसी कारण से मैंने जल में डुबोने के बहाने उन सभी ब्राह्मणों को वहाँ भेज दिया है, वे सभी लौट आएंगे। तब अष्टावक्र ने कहा, राजन, इसकी बातों में ना आए, इसे दंड अवश्य दें। राजा ने कहा, आप उचित कहते हैं, मैं अभी दंड की व्यवस्था करता हूँ। तब बंदी ने पुनः कहा, महाराज आपका आदेश अवश्य पूर्ण होगा, इनकी कृपा से मुझे अपने पिता से मिलने का सौभाग्य मिलेगा, साथ ही इनके पिता कहोड अभी ही दर्शन देंगे। जब ये बातें हो रही थी, तब वरुण देव से सम्मानित होकर सभी ब्राह्मण जल के बाहर निकल आए, वे कुछ ही देर में राज्यसभा में पहुंच गए। कहोड ने कहा, ऐसे ही कामों के लिए मानव को पुत्रों की कामना करनी चाहिए। इस मध्य बंदी ने राजा से आज्ञा लेकर जल समाधि ले ली। तदनंतर ब्राह्मणों ने
अष्टावक्र की पूजा की और अष्टावक्र ने अपने पिता की। उसके बाद वे सभी अपने आश्रम लौट आए। कहोड ने अष्टावक्र से कहा, पुत्र तुम समंगा नदी में जाकर स्नान करो। अष्टावक्र ने नदी में स्नान किया तो उसके सभी अंग सीधे हो गए। उसने आकर अपने पिता को प्रणाम किया और सुखपूर्वक रहने लगा।